गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शन। आपके क्लास 12 के का पहला ही कॉन्सेप्ट है रिलेशन एंड फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन और फंक्शन। थोड़ी जानकारी अर्लियर क्लासेज में भी हमें मिल चुकी है, यानी 11th क्लास में हमने वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन से की जानकारी ली थी। उनके बारे में पता हमें चला था, कैसे उनको डिफाइन किया गया था, क्या उनकी डेफिनेशंस थी, उनके बारे में पता चला था। रिलेशन और फंक्शन में जो आपकी 12th क्लास में जो दिया हुआ है फॉर्म, ये हमारा था रियल वैल्यू फंक्शन। एक बार थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन मीन डोमेन एंड कोडोमेन। हमें पता है ये लास्ट ईयर में डोमेन एंड रेंज सेट भी होता है, इसका कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज सेट। डोमेन कोडोमेन रेंज फंक्शन के बारे में लास्ट ईयर हमने पढ़ लिया था। रियल वैल्यू फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे। फंक्शन में जैसा कि हमें पता है वह ए स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अभी जो हमारा रिलेशन और फंक्शंस का कॉन्सेप्ट जैसा हमने स्टार्ट में ही बात की है, थोड़ा हमें इसमें ये लगता है कि हमारी डेफिनेशन हम अगर सही से क्लियर नहीं करेंगे तब भी हमारा हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। आप डेफिनेशंस को समझो पहले, फंक्शन रिलेशन फंक्शन क्या है वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो रिलेशन और फंक्शन की जो हमारे 12th क्लास में हम यूजेज करने वाले हैं, यहाँ पर आपकी इनवर्टिबल रिलेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन, इनवर्टिबल रिलेशन, सॉरी ये इनवर्टिबल फंक्शन की बात कर रहे हैं, इनवर्टिबल फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एक कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। जो फंक्शन का हमारा 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है उसमें हमें इनवर्टिबल फंक्शन जो 11th क्लास में हमने नहीं पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हमारे लिए नया है। बाइनरी ऑपरेशन से एक नई आपकी कॉन्सेप्ट है, आपकी टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसको रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल में सबसे पहले हमने यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया था। रिलेशन से बनाने से पहले हम थोड़ा एक बार और ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं। ऑर्डर पेयर हमने बात की थी। ऑर्डर पेयर मीन्स दिस टाइप ऑफ पेयर। ऑर्डर पेयर कहाँ से आ रहा है, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड B belong to the B. Where A and B are, where A and B are two non-empty set. Two non-empty sets. तो ये हमारा जो ordered pair है, actually दो elements को इस तरह से हम लिखेंगे तो ये ordered pair हमारा बन जाएगा। ऑर्डर पेयर में हमारी जो एंट्रीज है ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट होता है। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से और सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से हमने लिया है, और ये दोनों आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। सेट्स को भी अगर थोड़ा सेट को भी अगर हम रिकॉल करें, सेट जैसे हमने पढ़ा था सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ A well defined collection of elements, a well defined collection of elements या ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हो,
जैसे हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड मीन्स आपकी एक डिफाइंड है फॉर्म जिसके हेल्प से हमारे वहाँ पर एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, कलेक्शन जो भी है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल की हम बात करें, हमें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमारा ये सेट बनेगा। तो दो मोनेटरी सेट हमने ये यहाँ पर, सेट के बारे में भी हमने जानकारी दी थी, जैसे पिछले ईयर हमारा सेट का काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमें पता चल गया था सेट की वेरियस टाइप का सबसेट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अभी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं अगर ए और बी, और उनसे अभी इस तरह से फॉर्म आपके राइट डाउन कर रहे हैं, देन इट इज ऑर्डर्ड पेयर। जनरली ऑर्डर्ड पेयर आपका इस फॉर्म को फॉलो नहीं करता, इज नॉट इक्वल टू बी ए। इफ अगर ये फॉलो कर रहा है इक्वल की फॉर्म को, मीन्स एक्स वाई आपका है, इम्प्लाइज हो जाएगा फर्स्ट एंट्री इक्वल टू द फर्स्ट, यानी ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वाई। हम एलेवन क्लास से ही जानते हैं, हमें पता है इस तरह का फॉर्म लिखते थे। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर पेयर की जो छोटी प्रॉपर्टी थी जो हमने यहाँ पर समझी है, अब इसको थोड़ा और आपकी जो ऑर्डर पेयर से आगे की जानकारी थी रिलेशन से पहले जो हम चाहते थे कुछ हम रिकॉर्ड कर लें सारी चीज़ें, उनके बारे में बता रहा हूँ थोड़ा। ये स्टेप्स चेक करेंगे यहाँ से, इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा कि ऑर्डर्ड पेयर पड़ा है, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नेक्स्ट फॉर्म की जब बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स इट कैन बी रिटन एज x cross y, it can Cartesian product of two set can be written as, इसमें आपके जो form है इसके लिए जो पहली entry है आपकी order पे वो first set से आ रही है, और दूसरी entry है जो आपकी वो second set से हमने यहाँ पर ली है, Cartesian product of two sets हो जाएगा। अब एक थोड़ा example भी लिया जा रहा है Cartesian product, मान लीजिए a या x जो भी इसको आप कहो, ये हमारे पास है 1 2 3, और दूसरा हमारा b हमारे पास है b, it is equal to 4 5, then a cross b अगर हम ले रहे 1 4, ये हमने आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लास्ट ईयर पढ़ा था वही है सेम 1 5 1 5, ये प्रोडक्ट मींस आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 and 3 5, ये आपकी ऑर्डर्ड पेयर जो हम आपके टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पर पॉसिबल, अगर ए सेट में आपके 3 एंट्रीज हैं और बी सेट में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, देन वी हैव द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब हमारे जो यहाँ पर रिलेशन था, जैसा कि हमें पता है डेफिनेशन से लास्ट ईयर ही हमने पढ़ ली थी, रिलेशन आर से डिनोट कर हमें इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा हमारा रिलेशन। अब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे हम लेना चाहते हैं कौन से ना भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये आप देख लो यहाँ से भी हमें पता है ये प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, जैसे हमें पता नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा वो जानना चाहते हैं, देन 3 2 में 2 6 1 2 3 4 5 6 हमारे पास है। तो भी हमारा रिलेशन अगर हम इससे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कोई डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे को एक स्पेशल डेफिनेशन दी हुई होगी, डेफिनेशन आपके पास होगी उसके लिए इस तरह की। आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ये डेफिनेशन किस टाइप की होगी। डेफिनेशन आपके आपके लिए आपको जैसे ही होगा डिफाइन कर दिया, आर इज डिफाइन एक्स एक्स वाई इस टाइप के ऑर्डर पेयर आर होंगे, वेयर एक्स
greater y. So we had x is greater y. X belong to the x and y belong to the y. अब ऑर्डर पेयर हमारा यहां से अगर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर हम इस रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, जहां जो आपके ऑर्डर पेयर में जो आपके एलिमेंट्स आए हुए हैं उनमें रिलेशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट. अब यहां इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द सेकंड, अगेन फर्स्ट इज लेस देन द सेकंड, फर्स्ट लेस देन सेकंड, फर्स्ट लेस, सभी के सभी एंट्रीज हमारे इस रिलेशन के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर हमें यहां पर नहीं दे रहे हैं. सो इट इज एम्प्टी रिलेशन. सो इट इज एम्प्टी रिलेशन. यहां इस डेफिनेशन से इस कार्टेशियन इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें देन इट इज एम्प्टी रिलेशन. अब ये डेफिनेशन थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, देन इट इज एक्स लेस वाई. एक्स लेस वाई के लिए जब हम जाएंगे ये x less y yes 1 upon 4 आ जाएगा, 1 upon 5 आ जाएगा x less y, 2 upon 2 4 आ जाएगा. क्यों? Because 2 is less than 4, 2 is less than 5, 3 is less than 4, 3 is less than 5. So सारे के सारे हमारे equal to the r आपका हो जाएगा. अगर इस तरह की फॉर्म हो रही है सारे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितनी भी आपके पास है वहां पर एंट्रीज है सारी की सारी अगर आपके रिलेशन मार है जो डेफिनेशन आपके रिलेशन की है देन इट बिकम ए यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. अब पहले वाला जो रिलेशन हमने यहां पर चेक किया था जिसमें हमारा ये ग्रेटर वाला साइन हमने दिया था एक्स ग्रेटर वाई, कोई भी एंट्री नहीं, फाई था हमारा रिलेशन आपका वॉइड रिलेशन था. लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिलेशन है ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन कब पड़ जाएगा, जब आपके जितने वहाँ पर दो सेट को उन्होंने डिफाइन करके आपको दिया है उनके सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में अगर बिलोंग कर रहे हैं देन इट बिकम ए यूनिवर्सल रिलेशन. जनरली हमारे जो ये एंट्रीज होती है ये जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे ये आपकी ऑर्डर पेयर आपकी सेम नहीं होती. इनवर्स रिलेशन का भी हमें पता है, इनवर्स रिलेशन कैसे हम लिखते थे डोमेन और जो आपकी रेंज है उसके बारे में हमें जानकारी है. तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर आपका आइडेंटिफाई किया है, थोड़ी टाइम इसके जो आपके रिलेशन के लिए हम चाहते हैं ऐसे छोटी है तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 4. यस इट इज 1 5. ये नहीं होगा, काट देंगे इसको. क्यों? अब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा चाहिए जो यहाँ पर डेफिनेशन नहीं फॉलो है. 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 3 1 3 2 नहीं होगा आपका, 3 1 3 2 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, 4 1 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा, 5 1 नहीं होगा, 5 2 नहीं होगा, 5 5 भी नहीं होगा. क्यों? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए ए लेस देन बी, पहली जो एंट्री आपकी दूसरी एंट्री से छोटी होनी चाहिए. तो उसके लिए जो हमारे टोटल ऑर्डर पेयर है ये वाला ऑर्डर पेयर जो है आपके आर में आ जाएंगे, आपके रिलेशन में आ जाएंगे. इसका इनवर्स रिलेशन भी हम लिखना चाहते हैं, आर का इनवर्स जैसे आपको पता आसान है बिल्कुल, आर इनवर्स अगर आप लिखना चाहते हो देन इट इज 4 1. बस अपना ऑर्डर पेयर में जो आपकी एंट्री है उनको चेंज कर देना है, 5 1 4 2 उनको ही चेंज कर देना बस, और ज्यादा यूज नहीं करना आर इनवर्स के लिए. तो यहाँ पर हमने देखा रिलेशन के लिए हमारे को ऑर्डर पेयर चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हम ऑर्डर पेयर, उसके बाद एक आर के लिए डेफिनेशन दे देगा. जैसे ये डेफिनेशन है हमारे पास, तो डेफिनेशन से हमें आपकी कंडीशन का पता चल जाएगा कि हमारे लिए जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर हम आपके इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से किसके हेल्प से उठा सकते हैं. वैसे तो रख नहीं देंगे, मेरी मर्जी है 1 1 रख दिया, 1 4 2. इसके लिए हमारे जो मेन हमें डेफिनेशन दी हुई है उसी को हमें फॉलो करना है. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन है, सो यू कैन राइट डाउन इजीली द फॉर्म ऑफ द रिलेशन बाय द हेल्प ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी. तो सिंपली हमें ये आर में हमें ध्यान रखना है ये जो आर है
it is always in a subset of the cardinal product of two sets. तो इसको हम ध्यान रखेंगे जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है दिया हुआ है, सेट ए, ए है हमारा 1 2 3 4, इट इज ए, और शो करना चाहते हैं एक आर भी हमें यहाँ पर साथ में ही दे दिया गया है। आर में जो ऑर्डर दे रहे हैं 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 and 4 4 and 4 4 is reflexive but neither symmetric nor transitive, is reflexive, is reflexive but neither symmetric nor transitive, nor transitive. तो इसकी डेफिनेशन भी आर के में दे दी गई है। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, इस तरह की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे हमें उनको समझना है, तो हमारे पास ऑलरेडी है उनकी जानकारी। तो अभी हमारे पास ये सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हो ए क्रॉस ए, अगर हमारा हम थोड़ा इसको लिखना स्टार्ट करें, देन इट इज 1 1 1 2 1 3 1 4, आफ्टर दैट इज 2 2 1 2 2 एंड अप टू 2, हमें पता है 16 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे क्योंकि ए क्रॉस ही हम कर रहे हो, चार एलिमेंट आपके पास ए में है, तो आपके 16 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से हो जाएंगे। और आर में ये बड़े ऑर्डर्ड पेयर हमारे आए हुए हैं, तो अभी हमें जो आपकी पहले वाली प्रॉपर्टी है इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें देखना है ऑल ए विच इज बिलोंग टू द ए, विच इज बिलोंग टू द ए, देन ए इनटू आर, ए इनटू आर बाय द डेफिनेशन ऑफ आर वी हैव विद वन बिलोंग टू द ए आल्सो, वन वन बिलोंग टू द आर, एज 2 2 बिलोंग टू द आर, 3 3 बिलोंग टू द आर, और 4 4 आल्सो बिलोंग टू द आर। अब देखिए ये थोड़ा आप इसको समझने के लिए ये ध्यान रखोगे, जितने एलिमेंट हैं यहाँ पर जैसे चार एलिमेंट थे तो सभी के लिए आपकी ये फॉलो होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होना चाहिए। अगर एक भी एंट्री के लिए हमारा मान लीजिए ये तीनों आपके इसमें होते हैं और ये वाला ऑर्डर पेयर आपका यहाँ पर नहीं होता, तो हमारा सीधा इसकी जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी थी इसको मना करते हैं यहाँ से कि ये आपकी होल्ड नहीं होगी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के लिए आपको 4 4 का भी यहाँ पर होना जरूरी है। तो 4 4 भी इसमें है, सो इट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ही होना कार ये शो करने के लिए, शो दैट कार आगे समय के भी आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को तो होल्ड कर रहा है लेकिन सिमेट्री को नहीं कर रहा है। सिमेट्री के लिए जैसे हम जाता रहे लेट लेट 1 2 एक ऑर्डर पेयर है जो आर में है, सिमेट्रिक जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होती है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक इसके अकॉर्डिंग हमें पता है आपका इसका मतलब यहां से हम देख रहे हैं इंप्लाइज 2 1 भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर देखा जो आपके रिलेशन ऑर्डर पेयर आपके आए हुए थे 1 2 तो है यहाँ पर, 1 2 तो है बट 2 1 नॉट बिलोंग टू, 2 1 ले आपका नॉट बिलोंग टू। अब जैसे आप इसको भी देख सकते हो एग्जाम्पल इसके लिए लेना चाहते हो 2 3 आपका रिलेशन में है बट 3 2 इज नॉट बिलोंग टू आर, इज नॉट बिलोंग टू द आर, 2 3 तो रिलेशन में है लेकिन इसका आपका जो रिवर्स है उल्टा है वो आपके रिलेशन में नहीं है, तो आपकी सिमेट्री कंडीशन के लिए तो हमें एक ही ऑर्डर पेयर काफी है।
आपके 10 ऑर्डर पेयर है मान लीजिए टोटल इसमें यहाँ पर देखें, और सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आपका डिसएग्री कर रहा है, आपकी कंडीशन यहाँ पर इसके लिए एग्री नहीं कर रही, बाकी के ऑर्डर पेयर के लिए एग्री भी कर लिया, तब भी आपका इट इज नोटेड सिमिटेड। ट्रांजेटिव के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 2 इट इज बिलोंग टू द आर एज वेल एज 2 3 बिलोंग टू द आर, बट 1 3 इज नॉट बिलोंग टू द आर, 1 3 इज नॉट बिलोंग टू द आर। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये हमने ऑर्डर पेयर, इसके लिए ट्रांजेटिव कंडीशन के लिए भी हमने एक ही, अगर हम अपना कंट्राडिक्शन के लिए जाना चाहते हैं तो एक ही ऑर्डर पेयर का एग्जाम्पल काफी है। इस ऑर्डर पेयर को दिया हमने 1 2 वाला 2 3 वाला, ये दोनों ऑर्डर पेयर के साथ ये दोनों ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में थे, बट जब हम आपकी ट्रांजेटिव की बात करते हैं तो इसका पहले वाला और लास्ट वाला जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर पेयर भी आपका आना चाहिए, तब हम कहेंगे आपकी कंडीशन नंबर 3 यानी ट्रांजेटिव की कंडीशन से ये होल्ड करेगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला जो आपका ऑर्डर पेयर है इन दोनों की आपकी रिलेशन में होने के बाद ये वाला ऑर्डर पेयर हमें रिलेशन में नहीं मिली, सो इट इज नॉट ट्रांजेटिव। यहाँ से हमने शो करा था रिफ्लेक्शिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव नहीं है, जो इस तरह की लाइन की हेल्प से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने थोड़ा ये जो रिलेशन और फंक्शन के लिए हमने कैलकुलेशन से की है थोड़ी डेफिनेशन आपको बताई है, इनको थोड़ा एक बार आप चेक कर लो, इसका जो फर्दर पार्ट है यानी जो आपकी एक्सरसाइज 1.21 अभी हमने स्टार्ट ही की है, जस्ट आपके रिलेशन को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमने थोड़ा किया है इसमें, अभी और काफी रिलेशन इसमें बचे हैं जिनके बारे में हम कल यानी नेक्स्ट आपके वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।